ये कौन है बच्चा? Something wrong with his ears or he only understands Dutch? नहीं नहीं जी, मैं उर्दू में बात करूंगा। ये आपने कानों पे क्या लगाई हुई है चीज? है ना कि ये इसके वो तो कवरेज है। ओहो अच्छा अच्छा मैं सुन रहा था कान में कुछ आपने आले जड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरा नाम मुनीर अहमद है, तो मैं गैर अहमदी हूँ जी। आप आगे आ जाएं जी। थैंक यू। अच्छा ये था कि दो सवाल हैं मेरे जी, फरमाइए। तो एक मुबाइला के मुतालिक है जी। एक कुरान शरीफ की कायद है कि यहूद और इंसार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये आपस में दोस्त हैं, और तुम में से जो इनके साथ दोस्ती करेगा वो हम में से नहीं है। ठीक ठीक है। आप एक आथर ने किताब लिखी है इंग्लैंड में, वो मैंने पढ़ी है तफसीलन। उसके बाद और भी कुछ ये जो पॉलिटिकल स्टे मिलता है यूरोप में, पॉलिटिकल स्टे जो अहमदियों को मिलता है आउट ऑफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा, तो ये कोई आप कह सकते हैं कि जो एतराज किया जाता है कि ब्रिटिश खास तौर पे और यूरोप जो है वो जनरली मतलब कि अहमदियत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं? ये है सवाल जी। हाँ मैं उसका जवाब देता हूँ। पहला हिस्सा क्या था इसका? वो तो मैंने वो कुरान शरीफ की आयत पढ़ के तो उसके रेफरेंस से पहले उनसे बात करें ना, उन बातों को खत्म करके फिर आगे इस पे आते हैं। जी जी। क्या आयत आपने पढ़ी थी? कि ये यहूद और इंसार आपस में दोस्त हैं। हाँ जी, ये आपस में दोस्त सिर्फ एक ही आयत है कुरान करीम की और भी हैं? नहीं, आयतें तो हैं। हाँ तो फिर इस मजमून पर जब तक दूसरी आयतें ना हों उस वक्त तक इसका गलत मत पैगाम मिल जाएगा लोगों को। कुरान करीम ने ये भी फरमाया कि यहूद और नसारा में जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वो नसारा हैं, और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला उनसे जो तुम लोगों से अच्छे हैं जिन्होंने तुम पर जुल्म नहीं किया उनसे हुस्ने सलूक से तुम्हें मना नहीं फरमाता। कुरान करीम ने यह भी फरमाया कि उनसे मना करता है जो तुमसे दुश्मनी जाहिर कर चुके हैं, और जो तुमसे हुस्ने सलूक करते हैं हरगिज़ उनसे हुस्ने सलूक से मना नहीं फरमाता। तो ये सारी आयतें इकट्ठी पढ़ें तो फिर पैगाम मिलेगा ना, यकतरफा पैगाम तो नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना किरदार क्या था? क्या आप जब ताइफ से लौटे हैं तो एक अरब सरदार जो मुशरिक था उसकी पनाह में नहीं आए? क्या अबू तालिब की पनाह में नहीं रहे जिनके मोमिन होने का कोई सबूत कहीं नहीं मिलता? क्या दूसरे सहाबा बाज़ दूसरे मुशरिकों की जो नस्बतन शरीफ़ नफ्स थे उनकी पनाह में रहकर अमन हासिल नहीं किया करते थे? लेकिन सर मेरी बात सुन लीजिए, ये वाकयात तारीखी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, इसलिए वो जो मामला है वो बिल्कुल और नौयत का है। वो ये है कि जंग के दौरान जब दुश्मन से लड़ाई होती थी तो बाज़ मुसलमान अपनी दोस्ती के बहाने या दोस्ती की वजह से गैरों से इस तरह मिलते जुलते थे कि उनको इस्लाम के की फौजी राज मिल जाया करते थे, और उसको अल्लाह ताला ने सख्त नापसंदीदगी की नज़र से देखा और फरमाया कि अगर तुम ऐसे ताल्लुकात से बाज नहीं आओगे जिसमें इस्लाम को नुकसान पहुंचता है तो फिर तुम्हारा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरों से हुस्ने सलूक का जहां तक मामला है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हुस्ने सलूक में सर्फ हुई है। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से भी आपने हुस्ने सलूक फरमाया, इसलिए एक आयत पढ़कर उसका एक नतीजा निकाल लेना जायज़ नहीं है। कुरान का मिजाज देखना चाहिए, और मिलती जुलती सारी आयतें अब देखें उन पर गौर करें तो आपको समझ आएगी कि गैरों से अच्छे मामलात हुस्ने सलूक का तरीक ना कुरान ने मना फरमाया ना रसूल सल्लम की उसवत से साबित है। दुश्मन से ऐसी दोस्ती कि अपनों के खिलाफ बात करना और अपने मफादात भेज देना ये बड़ा भयानक जुर्म है जिसकी कुरान करीम ने सख्ती से मनाई की है। अब जहाँ तक यहाँ यूरोप में अहमदियों के पनाह लेने का ताल्लुक है, अहमदी ज़्यादा पनाह ले रहे हैं या दूसरे गैर अहमदी पाकिस्तानी?
कभी आपने ज्यादा लिए? नहीं, स्टैटिस्टिकली तो हम ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, स्टैटिस्टिकली बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं। प्रोपोर्शनेटली में मैं मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं बेल्जियम गया, वहाँ के जो चीफ कमिश्नर थे इस मामले में, वो उसे मिलने आए। उस वक्त जो अहमदी थे मेरे इल्म के मुताबिक वो 100 से कम थे यकीनन, जो वाक्यतन थे। और उसने मुझे कहा कि हम इसलिए अहमदियों को पनाह देने में मुतरद्दिद हैं कि सैकड़ों हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं, और अगर हमने उनके साथ उसने सलूक किया तो सारा पाकिस्तान उड़ आएगा। उनको मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा आप जायजा लेके देखें, अक्सर इनमें गैर अहमदी हैं। इंग्लिस्तान में कवायफ से अदाद व शुमार से साबित है, और अब हुकूमत इसको तस्लीम करती है कि अक्सर पना लेने वाले इंग्लिस्तान में गैर अहमदी हैं जिन्होंने अहमदीत के नाम पर पना ली। सर आप तो तस्दीक होती है जी, आपकी तो तस्दीक होती है। क्या तस्दीक? कि पीछे से कहते हैं कि अगर किसी ने एमडी का केस कराया तो वो कंफर्म एमडी का केस कराया है, बावजूद इसके कि वो एमडी नहीं है। और जब हम उनको कहते हैं कि एमडी नहीं है, फिर भी उसको पनाह दे देते हैं, समझे? वजह क्या है कि उनके बाद अपने उसूल हैं, उन उसूलों के ताबे वो सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं, हर सियासी पनाह लेने वाले को भी पनाह देते हैं। अब आप देखें कि बेनजीर ने कहाँ पनाह ली थी जब पाकिस्तान से भागी थी, नवाज शरीफ ने कहाँ पनाह ली थी, मैंगल साहब ने कहाँ पनाह ली थी, मुस्तफ़ा खर ने कहाँ पनाह ली थी, अल्ताफ हुसैन ने कहाँ पनाह ली हुई है? क्या सारे अहमदी हैं? नहीं तो सर, वही तो अंग्रेज का जो उसके बैकग्राउंड है डिवाइड एंड रूल, उसके बैकग्राउंड पे तो देख सकते हैं हम इसको। बस अब सवाल को इधर उधर बखेरे नहीं, अब तकवा खुदा का खौफी से काम लें। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, अंग्रेज डिवाइड और रूल करता है, हमें क्यों नहीं डिवाइड करके रूल कर सकता है अहमदियों को, बाकी सबको करता है, इसलिए कि हम अल्लाह ताला के फजल से तकवा के साथ मुसल्ला हैं, और कहीं भी अंग्रेज जमात अहमदिया को डिवाइड करके रूल नहीं कर सका। गैर अहमदी मौलवियों को डिवाइड कर देता है, उनको रूल भी करता है, गैर अहमदी अवामुन्नास को डिवाइड करता है, पाकिस्तान की हुकूमत को डिवाइड करता है, वहाँ की सियासत को डिवाइड करता है। तो जिनको करता है उन पर एतराज़ करें, ना कि हम पर, हमें तो नहीं कर सका। मैं तो इंग्लिस्तान में बैठकर वहीं उन्हीं के टेलीविजन पर ईसाइत के गलत होने, उसका बेबुनियाद होने, लगव होने के मुतालिक आए दिन तकरीरें करता हूँ, खुले तबसरे करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि इस कौम में जहाँ फसाद हैं वहाँ खूबियाँ भी हैं। उनमें बुनियादी तौर पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर है, जो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं रही। इसलिए अगर इनके मुल्क में कानून शिकनी ना करें, और असूली और अखलाकी लिहाज से आप इनके इनकी ऊपर जैसे चाहे तरकीद करें, यह हाथ नहीं डाल सकते, तो जो किसी में खूबी हो उसको भी तस्लीम करना चाहिए, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हमारे इस्लाम पर इनकी तरफ से क्या ज़र्ब पड़ी? अब आप गौर कीजिए, ये सारे किस्से आपने फर्जी सुन रखे हैं बचपन से, आपके दिल पर असर पड़ गया है, लेकिन कभी आपने होश की आंख खोलकर देखा है कि इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई है भी कि नहीं, हो भी सकती है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ, ये जितने मौलवी हमारे खिलाफ हैं जो कहते हैं अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये मानते हैं कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया? ये मानते हैं कि आसमान से दोबारा उतरेंगे? क़ुरान करीम फरमाता है कि जब ये तुझसे सवाल करते हैं कि तू आसमान पर जा के दिखा और फिर उतर के दिखा, तो तू उनको क्या जवाब दे? कुल सुभान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला। तू उनको ये जवाब दे कि मेरा रब इस किस्म की लगव बातों से पाक है, मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ और एक रसूल हूँ। यानी बशर ना आसमान पर जा सकता है, रसूल ना आसमान पर जा सकता है, जिस तरह ये कहते हैं बदन समेत, ना आसमान से उतर सकता है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चढ़े होते तो क्या ये जवाब दुरुस्त था? जब रसूल सल्लम से सवाल हुआ
कि आप जब तक चढ़कर ना दिखाएं और उतर के ना दिखाएं हम नहीं मानेंगे। तो खुदा ने क्या जवाब दे दिया, तू इनसे कह दे मेरा रब ऐसी बातों से पाक है, मैं तो एक बशर हूं सिर्फ और रसूल हूं। यानी बशर और रसूल ना जिंदा आसमान पर चढ़ सकते हैं ना जिंदा उतर सकते हैं, इनकार है इस बात का। और इसी वजह से ईसाई मुसलमानों के ऊपर मुसलसल हमले करते रहे और हिंदुस्तान में कसरत के साथ उनको ईसाई बनाया कि ये आयत वहां के पादरी पढ़ा करते थे। जब तक अहमदियत ने आके मुकाबला नहीं किया दनदनाते फिरते थे ईसाई यही आयत ले लेके, कहते थे देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे रसूल बशर थे और रसूल थे उनका ठीक है, कुरान करीम कहता है बशर और रसूल आसमान पर नहीं चढ़ सकते, बताओ ईसा चढ़े हैं कि नहीं, कहते चढ़ गए, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, तो फिर वो ना बशर रहे ना रसूल रहे, वो खुदा के बेटे हैं। ये दलीलें जो इनके हाथों में थमाने वाले लोग हैं ये गैर अहमदी मौलवी हैं, उन्होंने ईसा को जिंदा कर दिया है और उसके साथ ईसाइयत जिंदा हो गई। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम जिनको आप अंग्रेज का पौधा कहते हैं, आपने ये ऐलान किया कि ईसा को मरने दो क्योंकि उसी में इस्लाम की जिंदगी है। अब देखें अंग्रेज का ये पौधा हुआ करता है जो उनकी दीन की जड़ें काट दे, जो उनके खुदा की मौत का खुलम खुला उनकी हुकूमत के दौरान ऐलान करे और मुखालिफ मौलवियों को इस पे और भी गुस्सा आए। सबसे बड़े कुफर के फतवे मसीह मौऊद अलैहि सलाम पर इस इल्जाम में लगे कि आपने ईसा की जिंदगी का इनकार कर दिया और जो जिंदा बनाए बैठे थे आज तक इंतजार कर रहे हैं। तो अंग्रेज का पौधा वो है जो अंग्रेजी ख्यालात उनके अकायद की तकवियत को तकवियत देता है और उनकी हुकूमत को तकवियत देने के लिए सबसे ज्यादा ईसाइयत उनके काम आई थी। ये जो सारी दुनिया में अब गुलाम मुल्कों में ईसाइयत फैलाते फिरते हैं, क्या आपका ख्याल है कि इनको वाकईतन इनके सियासतदानों को ईसाइयत से मोहब्बत है? कुछ भी नहीं, अक्सर तो खुद अपनी जिंदगी बेदीनी की हालत में बसर कर रहे हैं। इनको ये पता है कि सियासी इस्तेकाम गुलाम मुल्कों में पैदा करना हो तो उनका मजहब बदल दो। सर ये तो अफ्रीका वगैरह में जाते हैं या मजहब है? हम अफ्रीका में भी यही करते हैं, अफ्रीका में भी कसरत के साथ ईसाई बनाए हैं, जहां ईसाई बन गए वहां इनकी हुकूमतें मुस्तकम हो गई, जहां नहीं बना सके वहां मुस्तकम नहीं हुई। अब अफ्रीका की बात छेड़ी है तो वहां इनका मुकाबला किस जमात ने किया सवाए जमात अहमदिया के? किसी जमात ने इनका मुकाबला नहीं किया, इनके अपने चर्च की काउंसिल्स ने ये इकरार किया, छपे हुए उनके सारे इकरारनामे मौजूद हैं किताबों की शक्ल में और रिसालों की सूरत में। वो कहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम था कि 50 साल के अंदर अंदर अफ्रीका के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिश्रियों की एक ऐसी जंजीर खींच दें कि सारे अफ्रीका को ईसाइयत के दामन में ले आए। लेकिन एक जमात अहमदिया मुस्लिम जमात ये उठी और चंद मुबल्लिग लेकर इन्होंने वो काम किया कि हर जगह ईसाइयत को शिकस्त होनी शुरू हुई। उस जमाने का इनका इकरार यह था कि अब तो ये हाल है कि एक ईसाई होता है तो 10 मुसलमान होते हैं जो अहमदिया जमात कर रही है। लेकिन ये तो पुरानी बातें हैं, अब तो अफ्रीका में एक एक साल में एक एक मुल्क में कई कई लाख अहमदी हो रहे हैं और वो सारे खुदा के फजल से ईसाइयत के जंगल से निकलकर अहमदियत की गोद में आ रहे हैं यानी इस्लाम में। तो ये अंग्रेज ने एक हरकत की थी, अपने दीन को बर्बाद करवाया, अपनी सियासत को बर्बाद करवाया, इतनी मेहनत से जो मुल्क कमाए खुद उन मुल्कों को अपने दीन से भी और अपने सियासत से भी मुनरिफ करने के लिए एजेंट बना दिए। अकल की बात करनी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने जो कुछ किया अगर मामूली अकल के साथ उसका तजिया करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लाम के हक में कितना अजीम एक पहलवान था जिससे कौम ने बदसलूकी की है। हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के दौर में यह हालत थी कि मुल्ला लोग अंग्रेजी के भी
दुश्मन होकर, तालीम के दुश्मन होकर ये फतवे दे रहे थे कि अंग्रेजी स्कूलों का बायकॉट करो, अंग्रेजी तालीम का बायकॉट करो और सिर्फ मदरसों तक रहो, और तेजी के साथ हिंदू तालीम पर कब्जा कर रहे थे। मौदूदी साहब जो बाद में आए हैं, उनके वक्त तक ये हाल था मौलवी की जहालत का कि उन्होंने वकील होने के खिलाफ फतवा दिया और कहा कि वकालत एक सरासर जहर है और इस्लाम और वकालत इकट्ठे नहीं रह सकते। यहां तक फरमाया कि शिर्क ही शिर्क है, और यही वो तरीक था जिस तरीक पर इन उलमा ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, उनको तालीम से महरूम रखा, उनको तरक्की से महरूम रखा, और हिंदुओं ने उन सारी जगहों पर कब्जा कर लिए। ये इनकी हमदर्दी है। हज़रत वसीम अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी कि देखो, तालीम हासिल करना कुरान करीम और रसूल सल्लम के इरशाद के मुताबिक हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हर तालीम हासिल करो, वरना तुम जवाब कैसे दोगे इनको। तालीम हासिल करो और तमाम दौड़ के मुकाबलों में इनसे आगे निकलो, लेकिन दीन साथ साथ रखो और दीनी मामलात में इनके सामने सर ना झुकाओ। जहाँ इन्होंने ये अच्छी बात करें उनकी तारीफ करो, जहाँ बुरी बात करें वहाँ उनका इनकार करो, लेकिन दुश्मनी की खातिर महज गालियाँ देना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये तालीम कुरानी और इस्लामी है कि नहीं जी? तो आप हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम को देखें और स्ट्रेटेजी को देखें, फिर आपको समझ आएगी कि कितना अजीम खुदा तआला की तरफ से इस्लाम के दिफा का एक पहलवान उठा था जिसकी कदर नहीं की गई। आपने मुसलसल अंग्रेज के बनाए हुए झूठे खुदा का मुकाबला किया है, एक दिन भी इससे बाज नहीं आए, और मुसलसल मौलवियों ने आप पर इस वजह से हमला किया। और आपकी हिकमत अमली ये थी कि अंग्रेज को कहते थे तुमसे हमारा सियासी मुकाबला नहीं है, जब तक तुम मजहब में दखल नहीं देते हमारा हक नहीं है कि हम तुमसे लड़ें, क्योंकि तुमने इस मुल्क में आकर हमें बाज़ जुल्मों से बचाया भी है। पंजाब में सिख जो जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पर, उनका तो कोई हाल ही नहीं था, उनको जिंदा रहने का हक नहीं, अजान देने का तक का भी हक नहीं था। अभिषेक ने साफ लिखा कि मैं जो तुम्हारी तारीफ करता हूँ तुम्हारे इंसाफ की वजह से करता हूँ, तुमने मुसलमानों के हकूक को कायम कर दिया, शुक्रिया, लेकिन जहाँ तक तुम्हारे दीन का ताल्लुक है मैं उसे लड़ूंगा, क्योंकि वो झूठा दीन है। जिसके ताबे थे उसको दज्जाल कहा। किताबें उठा रहे हैं मिशन से, आज तक हम यही कह रहे हैं। तो सर ये जहाज जो था, मेरी बात सुनिए, दज्जाल कहा कि नहीं इन लोगों को जी? है दज्जाल जिसको कहा जा रहा है उसका गुलाम होता है अगला इंसान, और साबित किया कि वो काना दज्जाल जो आना था वो तुम्हारी कौमें हैं, तुम्हारी दाई आंख अंधी है क्योंकि तुम्हारा दीन मर चुका है, तुम्हारी बाई आंख जो दुनिया परस्ती की वो रोशन है, इसलिए तुम ही दज्जाल हो। ये जो खुद काश्ता पौधा ऐसी बातें किया करता। और इन लोगों ने, मौलवियों ने क्या किया, उन्होंने कहा ना ना ना, दज्जाल तो अभी आना है, वो तो उस वक्त आएगा जब वो गधा पैदा हो जाएगा जो इतना लंबा चौड़ा है, आग खाएगा और चलने से पहले ऐलान किया करेगा। वो गधा तो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी माँ भी नहीं पैदा हुई, तो दज्जाल कहाँ से आ जाएगा। तो अब बताएं, ये मौलवियों की बातें अकल की हैं जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बातें अकल की हैं। लेकिन सर एक बात है,